यमुनानगर के गांव मांडखेड़ी में एक चाची ने अपनी 3 साल की भतीजी का बड़ी ही बेरहमी से गला रेत कर उसे मौत के घाट उतार दिया और इस वारदात को अंजाम देने के बाद पति पत्नी पड़ोस में ही छिप गए, लेकिन लोगों ने उन्हें ढूंढ निकाला और पुलिस के हवाले कर दिया। यमुनानगर के गांव मांडखेड़ी से एक अजीबो गरीब मामला सामने आया है। यहां एक चाची ने अपनी भतीजी का गला रेत कर मौत की घाट उसे उतार दिया और फिर पति पत्नी पड़ोस में ही जाकर कहीं छिप गए, लेकिन पड़ोसियों की नजर में आ गए। इस दंपत्ति का कहना है कि उन्होंने भतीजी की हत्या नहीं की है, बल्कि किसी प्रेत आत्मा ने उनके शरीर में घुसकर ऐसा करवाया है। ये बाहर मैं बाहर बैठा था जी, पहले इसमें असर हुआ जी, ये ठीक हो गई, फिर मेरे में असर होने लगा, मैं ठीक हुआ जी, इतने 5 मिनट में पता लगे जी वो बच्ची काट के। क्यों मारा, क्यों था? क्या हुआ, क्या था? मन तो पता नहीं जी, कुछ नहीं। नहीं, आपने अपनी जो भतीजी थी उसका मर्डर किया है, उसकी गर्दन काटी है? हाँ जी। क्यों काटी? बस ये नहीं, मैं कुछ नहीं जी पता, मन तो ये भी नहीं पता बच्ची कौन सी थी। वही मासूम की माँ का रो रो कर बुरा हाल है। कह रही थी उसकी भी यार मेरी भी, मन ने क्या था तो मेरी चौकड़ी के लिए कांड कर जाएगी आज। अरे वो अपनी सोची थी मैं करना मेरे यार, अरे ने कभी नहीं सोचा मेरे न्याणों के बारे में, तेरे मेरे करा दी चीजा माँ भी, अरे मैंने क्या था तो जैसे देगी मैंने भी मेरी दीन लेगा जागी। मौके पर पहुंची पुलिस आरोपियों के अजीबोगरीब बयान से सकते में है। सरपंच भुकड़ी का फ़ोन आया था मेरे पास कि ऐसे ऐसे 3 साल की एक नंदनी लड़की है, उसका उसकी चाची ने गला रेत के उसका मर्डर कर दिया। जो अभी मौके पे पहुंचे हैं, अभी प्रमे फेसी पे देखते हैं क्या हुआ क्या। बहरहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर एक चाची ने अपनी भतीजी को इतनी बर्बरता से मौत के घाट क्यों उतारा। टीम फोकस हरियाणा के साथ यमुनानगर से तिलक भारद्वाज की रिपोर्ट।